नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अफिसार शर्मा। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है। आज विपक्ष एक मंच पर आया और पेगासस जासूसी मामले पर उन्होंने सरकार से कुछ तीखे सवाल किए। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। और आसान सा सवाल था, और एक ऐसा आसान सवाल जिसका जवाब देने से मोदी सरकार कतरा रही है। सवाल क्या था कि भाई आपने पेगासस जो है वो तकनीक खरीदी या नहीं खरीदी? अब सरकार इस मुद्दे से क्यों बच के भाग रही है? क्या कहा राहुल गांधी ने पहले, आप वो सुनिए। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देखिए, क्या आप जानते हैं कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस का रुख कर चुके हैं? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि फ्रांस जैसा सहयोगियों को वो गवा दें, क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, पेगासस के जरिए उनके फोन को भी हैक करने की कोशिश की गई थी, उनकी भी जासूसी करने की कोशिश की गई थी। इसराइल डरा हुआ है क्योंकि एनएसओ जो कंपनी है वो इसराइली कंपनी है और पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो एनएसओ का सॉफ्टवेयर है। इसलिए आज की तारीख में इसराइल जा रहा है फ्रांस के सामने, घुटने टेके हुए उसने। जब इसराइल ने घुटने टेके हुए फ्रांस की तरफ, तो भारत सरकार आखिर क्यों नहीं जवाबदेही यहां पर ले रहा इसराइल की? वो भूल जाइए, भारत सरकार उसकी जांच नहीं कराना चाहती है। दोस्तों, इन तस्वीरों में देखिए, आप देख सकते हैं विपक्ष के तमाम नेता एक मंच पर बैठे हुए हैं और इस बैठक का मकसद साफ था कि पेगासस जासूसी मामला, जिसे विपक्ष अब एक हथियार बताता है, उस पर एक साझा रणनीति बनाई जाए। आज का दिन बहुत अहम था दोस्तों। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की, और कार्यक्रम में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि क्या वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाए। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हथियार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार जांच करने से क्यों कतरा रही है। राहुल ने क्या कहा, सुनिए। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं। दोस्तों, हो क्या रहा है, पिछले कुछ अरसे से लगातार नेशनलिज्म बनाम एंटी नेशनलिज्म का डिबेट हो रहा है। आज विपक्ष ने इसे एक नई दिशा देने की कोशिश की। बकौल राहुल गांधी, जिस तरह से लोगों के फोन को टैप किया जा रहा था, फोन को हैक किया जा रहा था, उनकी जासूसी हो रही थी, सही मायने में यह लोकतंत्र पर हमला है। और अगर यह लोकतंत्र पर हमला है तो यह राष्ट्र विरोधी भी है। अपनी जमीन किस तरह से राहुल गांधी रख रहे हैं, सुनिए। यह जो हथियार है यह हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से यह पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। दोस्तों, विपक्ष का मोर्चा था तो यहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थे, और विपक्ष का यह कहना था आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए, आज इस मंच पर आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो देश की जनता, 60% देश की जनता की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए हमारी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मनोज झा, जो कि सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जवाब दे रहे हैं, जबकि इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती कि अश्विनी वैष्णव के भी फोन को हैक किया गया था कथित तौर पर पेगासस के जरिए। इसलिए जब वो बयान देते हैं तो उससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। मनोज झा, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। लेकिन जो गंभीर मसले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं,
उस पर आप पर्दाधारी नहीं कर सकते। और एक विस्तृत चर्चा हो किसी आईटी मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अन्यथा ये जो पार्लियामेंट को बुलडोज करने की आपने रवायत शुरू की है ना, इसके पक्ष में एक विकल्प जनता खुद तय कर देगी कि आपके अहंकार को कैसे चुनौती दी जाए। इस मंच पर और भी पार्टियां थी, शिवसेना ने भी अपनी बात रखी। क्या कहा पार्टी के सांसद संजय राउत ने, आइए सुनते हैं। अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामले में यह सरकार बात नहीं करती, करना नहीं चाहती, तो कौन से मसले पर बात करना चाहती है? राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर और फार्मर्स एक्ट के ऊपर हम एक साथ रहेंगे। दोस्तों, ये वक्त आ गया है कि जब इसराइल एक क्राइसिस ग्रुप बिठा सकता है, अगर फ्रांस इसकी जांच के आदेश दे सकता है, अगर मेक्सिको जैसा देश इसकी जांच के आदेश दे सकता है, अल्जीरिया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक फेल्ड स्टेट है, जब ये तमाम देश इसकी जांच के आदेश दे सकते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र न के बराबर है, तो भारत सरकार इससे क्यों कतरा रहा है? इसका मतलब साफ है, क्योंकि पेगासस एक ऐसी तकनीक है जो एनएसओ जो है, इसराइली कंपनी एनएसओ, सिर्फ देशों को बेचती है। और अगर भारत के पत्रकार, भारत के नेता, भारत के जज, भारत के उद्योगपति, इन तमाम लोगों की जासूसी हो रही थी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। इस लॉजिक के हिसाब से इस तकनीक को या तो सरकार ने खरीदा या उससे जुड़ी किसी एजेंसी ने खरीदा। तो सरकार इस मामले की जांच करने से क्यों कतरा रही है, यह सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, आज का दिन इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी की नुमाइंदगी में पेगासस जासूसी मामले के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास हुआ, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो कल ही दिल्ली पहुंच गई थी, उनकी मंत्रणाओं का दौर लगातार जारी रहा। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस तस्वीर में काफी हद तक इस बैठक की हकीकत बयां हो जाती है। ममता बनर्जी को आप यहां देख सकते हैं, रीढ़ एकदम सीधी है और प्रधानमंत्री बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में पूरी तरह से उनकी तरफ झुके हुए हैं। काश प्रधानमंत्री, जब आपने पश्चिम बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के बारे में वो जो आपका स्टाइल नहीं था, दीदी ओ दीदी, काश आपने या आपके पार्टी के नेताओं ने उस वक्त इस तरह के बयानात ना दिए होते। इसलिए जब आप इस तरह से झुकते हैं तो बात बहुत अटपटी लगती है। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और आज ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है। पिछले लगातार काफी अरसे से हो क्या रहा है दोस्तों, यूपीए चेयरपर्सन यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि जो भारतीय विरोधी मोर्चा है, जो मोर्चा है जिनमें कई दल आते हैं, यूपीए का अध्यक्ष का पद जो है वो काफी सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन है। पिछले दिनों कुछ इस बात को लेकर चर्चा थी कि शरद पवार को इसका चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। सोनिया गांधी की सेहत खुद ठीक नहीं रहती, मगर वो अपनी सेहत के बावजूद काफी सक्रिय रहने का प्रयास करती हैं। आज जब ममता बनर्जी दिल्ली में है, आज जब ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के साम दाम दंड भेद के बावजूद पश्चिम बंगाल के चुनाव जीत लिए, न सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव जीते मगर उसके बाद भी मोदी सरकार ने जितने भी उन पर दाव चले, सभी के 19 पर वो 20 साबित हुई, तो क्या आपको नहीं लगता वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी को यूपीए का चेयरपर्सन बनाया जाए, ताकि सही मायने में वो भारतीय जनता पार्टी विरोधी मोर्चे का चेहरा बन सके और फिर ये मोर्चा देश की जनता के सामने एक ब्लूप्रिंट के सामने आए, ब्लूप्रिंट लेकर सामने आए। देखिए, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करके विपक्ष जो है वो देश की जनता के दिल में जगह नहीं बनाएगा, नहीं, आपको एक विकल्प देना पड़ेगा, आपको बतलाना पड़ेगा कि आपकी सियासत बीजेपी की सियासत से बेहतर क्यों है, आपको बतलाना पड़ेगा कि आपकी सियासत पूरे देश को एक साथ लाने के लिए क्यों कारगर है, क्यों जरूरी है, आपको बतलाना पड़ेगा कि आपकी जो संभावित इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो मौजूदा निजाम के, मौजूदा सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज से बेहतर क्यों है। और जब तक ये मोर्चा इन तमाम सवालों का जवाब नहीं देगा, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आप जिसे भी खड़ा कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्विरोध इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे करिश्माई व्यक्तित्व के नेता हैं। हां, देश में
विभाजन पैदा करना, देश में दोहराव पैदा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को अक्सर उन्हीं के पार्टी के नेता इस्तेमाल करते हैं। जी हां, खुद प्रधानमंत्री उन मुद्दों पर खामोश हो जाते हैं जहां उनको बोलना चाहिए, क्योंकि उनके बोलने से कम देश में दोहराव का, गतिरोध का, लोगों को बांटने का संकेत नहीं जाएगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं वो उसमें दखल नहीं देना चाहते, या फिर वो उससे मुतमईन हैं, वो उससे इत्तेफाक रखते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस सियासत के बिल्कुल उलट एक संवाद देश की जनता के बीच में पैदा किया जाए। और इस संवाद का चेहरा कौन होगा, राहुल गांधी या ममता बनर्जी, इसका फैसला होना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि राहुल गांधी अब तक कांग्रेस अध्यक्ष पद को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो जिम्मेदारी को अपने हाथ से नहीं छीन रहे हैं या खींच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बने रहना चाहते हैं जो एक विपक्ष की आवाज हो, जो सरकार से सवाल करता हो, मगर कांग्रेस की कमान संभालने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने लगातार यह प्रयास किया है और यह प्रमाणित भी किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने को तैयार है। हम ये ना भूलें कि इंदिरा गांधी के बाद इस देश को एक भी महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली है। क्या विपक्ष ममता बनर्जी को एक चेहरे के तौर पर पेश करना चाहेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हो क्या रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के घटिया प्रचार तंत्र ने जिस तरह का प्रचार किया है, उसके बाद देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो राहुल गांधी में विश्वास करने से कतराता है, क्योंकि इसी प्रचार तंत्र के जरिए गुजरात मॉडल का भी महिमा मंडन किया गया। यह भी बतलाया गया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। अब कहां से कहां तो नहीं पहुंचा, मगर हां कहां से कहां जरूर पहुंच गया देश। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? बहरहाल, आने वाले दिन दोस्तों बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं विपक्ष की राजनीति की निगाह से, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के चुनाव है और उससे पहले विपक्ष लगातार सरकार को घेरना चाहेगा, क्योंकि हम ये ना भूलें सरकार के साथ पूरा प्रचार तंत्र है। आज भी जब राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी जब ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, आप तमाम न्यूज चैनल्स में उसको लेके जो प्रचार चलाया जा रहा है उस पर निगाह डालें। मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष नहीं घेर रहा है, देश विरोधी घेर रहे हैं, पाकिस्तान परस्त घेर रहे हैं, पूरा प्रोपेगेंडा दोस्तों उनका वही चल रहा है। जबकि देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष हो, जैसे एक जमाने में बीजेपी हुआ करती थी, मगर उस वक्त मीडिया यह नहीं करता था कि बीजेपी को राष्ट्र विरोधी घोषित कर देती थी। आज बीजेपी सरकार के डर से हमारे न्यूज चैनल्स यही करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्ष एक स्वर में, एक रणनीति के तहत, एक अनुशासन के तहत भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल करे, क्योंकि तभी देश को एक विकल्प मिलेगा। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.